व्यूअर्स, ये हैं फेमस सिंगर सज्जाद अली। सज्जाद अली के साथ मैंने यानी हनीफ राजा ने किया उनके घर जाकर एक मजेदार प्रैंक। मैंने अपने प्रैंक शो के कैरेक्टर नोमी को अपने प्रैंक का कॉन्सेप्ट समझाकर सज्जाद अली के घर के दरवाजे पर भेज दिया। नोमी ने बैल बजाई, सज्जाद अली के घर के मुलाजिम ने आके दरवाजा खोला। मुलाजिम ने आके कहा कि सज्जाद अली साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। मेरे कैरेक्टर नोमी ने कहा कि मैं अंदर नहीं आ सकता, मेरे मोबाइल को सिग्नल नहीं मिलेंगे, मेरे पास एक बहुत जरूरी कॉल आने वाली है, इसलिए प्लीज उनको बाहर ही भेज दें। सज्जाद अली अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए वो बाहर ही आ गए। मैं आपके लिए गाने लिखता हूँ सर। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ सर। आप हंस रहे हैं, हंसने की बात तो ऐसी कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नोमी है, साहब कहते हैं मुझे। नोमी जी, मैंने आपको सर, मैं यहाँ रहता तो आ गई हूँ, मैं आपके लिए बहुत से गाने लिखे हैं माशाल्लाह। मैं आप भूल गए शायद, मुझे पहचान नहीं रहे अभी आप। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जी बात किस तरह कर रहे हैं कि आपके लिए गाने लिखे। नहीं नहीं, असल में मैं पैसे लेने आया था, मेरे पैसे बनते हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए गाने अच्छे खासे लिखे, आपने माशाल्लाह बड़े हिट हुए, बड़े ही ज़्यादा हिट, आजकल तो ज़्यादा ही हो रहे हैं। इसमें है जी बेबिया, माशाल्लाह बहुत बिजनेस किया इस गाने ने, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उसमें। चीफ साहब है, लारी अड्डा है, और भी बहुत से गाने हैं, उनके सबकी पेमेंट बनती है। तो ये पेपर आप रख लें, ऐसा करें और इसकी पेमेंट मुझे कर दें। आपको किसी ने भेजा है? नहीं नहीं, कौन भेजता सर, मेरे गाने हैं, मुझे कौन भेजेगा, मैं तो लिखता हूँ भाई आपके लिए गाने। अच्छा, मेरे लिए आप गाने लिखते हैं जी? क्यों, आप लकी के दोस्त हैं? लकी के, लकी भाई के साथ भी मैंने गाने गाए अक्सर, आप मुझे शायद पहचान रहे हैं। लकी भाई के साथ लकी के दोस्त हैं जी? जी, लकी भाई का दोस्त हूँ, उन्होंने आपको बताया नहीं क्या? वैसे मैंने लकी भाई को भी गाने लिख के देता हूँ, आपको भी लिख के देता हूँ, आप तो बोल ही गए। अब आप मुझे बताएं, देखें नहीं सुबह हो या रात हो, मैं तो अपने पैसे लेने आया हूँ ना भाई, मैं सुबह रात से मुझे तो नहीं। आप मेरे भाई जी जी, जब किसी के पास आते हैं मिलने जी जी, किसी आदमी से जब मिलते हैं सही, तो एक लिहाज एक तमीज जी जी ना, आप जिस तरह मुझसे बात कर रहे हैं ये सही नहीं है। मेरे दरवाजे पे खड़ो सर, बात मसला पता क्या, पैसों का मसला, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मसला हो किसी चीज का नहीं, मसला आपको किसने भेजा है? मुझे भेजता कौन भाई, मैं पूरी पूरी रात जागता हूँ, आपके गाने लिखता हूँ, आपके गाने माशाल्लाह हिट होते हैं, आप उस पर पैसे भी नहीं देंगे मुझे, आप वो भी प्रॉफिट खाना चाह रहे हैं। मतलब बात बताए ना, क्या असल बात क्या चाह रहे हैं भाई? असल नकल की बात ही नहीं हो रही, बात तो ये हो रही कि आप पैसे मुझे दे दें, खत्म बात। मेरा आपका ये मेरा बिल है, ये आप रखें और पैसे मुझे दे दें, खत्म बात। बात इतनी हमारी है, ज्यादा बात थोड़ी। तो मेरे साथ प्रैक्टिकल जोक कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, इधर आप आए, आप पैसे दें मुझे। ओ भाई एक मिनट, ये क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है भाई, यार आराम से चलो चलो। यार आप मुझे कैसे समझे यार, हाथ पकड़ो तुम मेरा। हाथ की बात नहीं है, आप पैसे दें, खत्म बात सर। मेरा बिल है ना भाई ये। चलो शाबाश, आप मुझे पैसे तो दें सर। ये देखिए मेरा बैग भी गिर रहा है, ये भी पैसों से भरा हुआ सर। चलो 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 सर, आप देखिए मेरी बात भाई। चलो सर, कहाँ जाऊँ? चले सर, गाड़ी की चाबी आप दे दें मुझे। दिमाग खराब हो गया क्या सर? माशाल्लाह तुम अच्छा मजाक कर रहे हो, मेरे तुम्हारे तुम्हारा मेरा मजाक है सर? मजाक की बात नहीं, आप पैसे देने के बाद ऐसा फेस आपने कर लिया। कैसे पैसे? पैसे मेरे बनते जो मैंने आपके गाने लिख के दिए। चलो यार चलो, ये सर गलत बात है, देखें ऐसा नहीं करें, अल्लाह देख रहा है सर, ऐसी गलत बात है। सज्जाद भाई देखें, आप पैसे, एक मिनट आ रहा हूं। डैडी किसने है, पता नहीं क्या चाह रहे तुम? नहीं चाह आने की बात नहीं, असल में पैसों की बात है सर, घट जाता है, ऐसा ही होता है। चलो शाबाश। चलो नहीं नहीं सर, शाबाश शाबाश। लीजिए व्यूअर्स, अब आ गया मेरा यानी हनीफ राजा का प्रैंक का भांडा फोड़ने का वक्त। बुलाओ यार सज्जाद भाई, मुझे तो जानते हो, हनीफ राजा साहब। सॉरी सज्जाद भाई। अरे अच्छा, काम ये तो पहले भी कर सके था मेरे साथ। मैं ये समझ रहा था कि इनको मेरे किसी दोस्त ने भेजा है। अच्छा। या कोई ये कुछ करना चाह रहे हैं मेरे साथ, कोई मुझसे कोई बात करवाना चाह रहे हैं, या भी बताएंगे कि या कुछ पैसे वैसे लेना चाह रहे हैं, या ब्लैकमेलिंग कि जी पैसे दें मुझे, नहीं तो मैं लोगों को कहूंगा जी मेरे गाने थे और ये था वो था। मुझे एक लम्हे के लिए मुझे हो गया था बहुत ज्यादा गुस्सा। प्रैंक के आखिर में सज्जाद अली ने प्रैंक को बहुत इंजॉय किया और मैंने यानी हनीफ राजा ने सज्जाद अली का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू वेरी मच सज्जाद अली फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का नाम है हनीफ राजा।